आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन, रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ है एक्शन, दो और आतंकी मारे गए। बीजेपी का कमलनाथ पर आरोप, हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे, गरीबों के लिए कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में पेंगोलिन की तस्करी का मामला सामने आया, 3 तस्कर गिरफ्तार। और हर्षोल्लास से मना गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व, मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे गुरुद्वारे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में शिवसेना को मुंह की खानी पड़ी है, वहां राष्ट्रपति शासन लग गया है। किसी भी दल को बहुमत न मिलने के चलते 24 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में सरकार गठन नहीं हो पाया है। बीजेपी और शिवसेना दोनों को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुला चुकी है और उनका चांस खत्म हो गया है। आज एनसीपी की बारी थी, लेकिन वह भी बहुमत की चिट्ठी नहीं दे पाई। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर फैसला लिया और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी। इस बीच शिवसेना ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जब महाराष्ट्र में किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं देखा तो उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की। हालांकि उन्होंने एनसीपी को मंगलवार रात 8:30 बजे तक बहुमत की चिट्ठी देने को कहा था, लेकिन एनसीपी को भी शाम तक समर्थन की चिट्ठी नहीं मिल पाई थी। महाराष्ट्र को लेकर सभी दलों के बीच की उठापटक को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की। इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश के बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार की आलोचना की। संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला बहुत पहले हो चुका था, लेकिन माननीय राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले आज रात 8:30 बजे तक इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इस समय सीमा को उन्होंने ही तय किया था और एनसीपी को सरकार बनाने का मौका दिया था। पहली नजर में यह अवैध और असंवैधानिक दिखता है। इधर इस मामले में शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की कि राज्यपाल के इस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें उन्होंने शिवसेना को समर्थन पत्र जमा करने के लिए 3 दिनों का समय देने से इनकार किया था। शिवसेना ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को आदेश दे कि शिवसेना को समर्थन जुटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इसी के तहत मंगलवार को यहां 2 और आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। यह मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के गांधरबल के गुंड में हुई है। यहां सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी और फिर शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। खबर है कि इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने सोमवार को बांदीपोरा में भी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था। रविवार को सुरक्षा बलों के बांदीपोरा के बागडोरा इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। टीम ने दोनों आतंकियों को घेर लिया था। आज भी सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन जब लगातार फायरिंग होती रही तो सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद एक बयान में कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से एक तलहा है जो पाकिस्तानी है और एक लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिंग कमांडर है। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश में गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व उत्साह से मनाया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका और लोगों को गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर बधाई दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि गुरु नानक देव किसी एक धर्म के नहीं थे, हमें उनके बताए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। पूरे देश में गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में सिख समाज के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी गुरुद्वारों में मत्था टेकने पहुंचे।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका और लोगों को गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर बधाई दी। कमलनाथ ने कहा कि गुरु नानक देव किसी एक धर्म के नहीं थे, वो सभी के थे और हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इससे पहले आज सुबह से ही राजधानी के सभी गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर कई गुरुद्वारों में पंजाब से रागी जत्थे बुलाए गए। इस मौके पर सभी गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन गूंजते रहे। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए भाजपा पर इल्जाम लगा रहे हैं। सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या जाने कि गरीब के घर में संबल योजना से क्या फायदा हुआ था। कमलनाथ को अपने ऐशो आराम के लिए विमान खरीदने के लिए पैसे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए पैसे हैं, पर कांग्रेस और कमलनाथ सरकार को गरीब की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार अपने नाकामी छुपाने के लिए भाजपा को दोष दे रही है। कांग्रेस कहती है कि संबल योजना में 56 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से लाभ लिया, पर कमलनाथ सरकार ये बताए कि और भी लोग जिनको इस योजना से लाभ मिल रहा था, सरकार ने उनको क्या दिया। सरकार ने प्रदेशवासियों को कोई लाभ नहीं दिया, किसी को भी किसी योजना में 100 रुपए तक नहीं दिए गए। देखिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए नित नए इल्जाम भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार पर लगाते हैं। कांग्रेस खुद तो कुछ कर नहीं पा रही और संबल योजना में कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, 56 लाख गलत लोग हैं, तो 44 लाख बचे हुए को तो आप फायदा दे दें। आपने एक भी व्यक्ति को क्या 100 रुपए का बिजली का बिल दिया? क्या आपने एक भी परिवार में इलाज करवाया? क्या आपने एक भी परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई? क्या 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए जो मृत्यु पर मिलने थे वो दिए? केवल और केवल अपनी नाकामी छुपाना और उसके माध्यम से अपने को बचाना, ये इनकी आदत है। कांग्रेस की सरकार कोई गरीब का साथ नहीं देना चाहती, सेठों की सरकार में यही होता है। कमलनाथ जी क्या जाने कि संबल योजना से किसी गरीब के घर में क्या कुछ हुआ था। उनको तो केवल अपने ऐशो आराम के लिए हवाई जहाज खरीदना, उसके पैसे हैं। मुख्यमंत्री निवास में करोड़ों रुपए, मंत्रियों के निवास में करोड़ों रुपए लगा दिए, उसके लिए पैसे हैं, पर गरीब के घर में उजाला आएगा तो उनको क्या मतलब उससे। सारंग ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ क्या जाने गरीबों की परेशानी। कमलनाथ के पास ऐशो आराम करने के लिए विमान खरीदने के पैसे हैं, पर गरीब को देने के लिए नहीं। कमलनाथ और उनके मंत्रियों के बंगलों में करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। सरकार ने ना तो शिक्षा के लिए एक पैसा दिया, ना ही किसी भी परिवार का इलाज करवाया है। कमलनाथ को गरीब के घर में उजाले से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में तस्कर गिरोह के पास से 2 दुर्लभ वन्य जीव पेंगोलिन जब्त किए गए। इनमें से एक पेंगोलिन की मौत हो गई। तस्करों ने किसी से 22 लाख रुपए में इन पेंगोलिनों को बेचने का सौदा किया था। तस्कर इन्हें बेच पाते उससे पहले ही वाइल्ड लाइफ की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर तस्करों को बीजापुर के जंगलों से धर दबोचा। इन तस्करों से 2 जिंदा पेंगोलिन जब्त किए गए थे। वन विभाग की टीम ने कई तस्करों को पकड़ा और रेस्ट हाउस में उनसे पूछताछ की, तब जाकर उनसे पेंगोलिन मिले। इस काम में 3 दिनों तक मशक्कत चली। चौथे दिन एक पेंगोलिन की मौत हो गई। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि किसी व्यक्ति से इन पेंगोलिनों के विक्रय के लिए 22 लाख रुपए में डील तय हुई थी। शुरू में जांच के नाम पर वन विभाग के लोग इस मामले को दबाते रहे, लेकिन जब एक पेंगोलिन की मौत हो गई तो इस मामले को उजागर कर दिया गया। तस्करी में प्रयुक्त सफेद कलर की कार तथा पेंगोलिन को खिलाने के लिए दीमक की बाबी कार्टून में रखी थी। वन्य जीवों के 3 तस्करों विष्णुपद मंडल, गोपाल मंडल, जयदेव मेघनाथ को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा और चौथे आरोपी बबलू निवासी बीजापुर की अभी तलाश जारी है। वन मंडल कोंडा गांव के SDO LN पटेल ने इस बारे में बताया कि अचन कुमार टाइगर रिजर्व अधिकारियों को वन्य जीव तस्करी की जानकारी होने पर वाइल्ड लाइफ टीम के साथ विभागीय अधिकारियों की टीम ने 8 तारीख को डील के दौरान ग्राम बीजापुर जिला कोंडा गांव के जंगल में तस्करों को पकड़ा और उनसे 2 पेंगोलिन बरामद किए। क्षेत्र अमरावती के अंतर्गत बीजापुर ग्राम में के पास जो तस्कर थे, करीब 4 तस्कर, तो उनको पकड़ा गया थे। इनमें से एक फरार हो गया, 3 तस्कर हमारे कब्जे में आ गया था और उनके साथ एक जीवित पेंगोलिन जब्त हुआ था। जब्त किए गए 2 पेंगोलिनों में से एक अस्वस्थ था और 11 तारीख की सुबह उसकी मौत हो गई। पेंगोलिन दुर्लभ प्रजाति का जानवर माना जाता है। फोली डाटा गण का स्तनधारी प्राणी पेंगोलिन, इसके शरीर में कैरोटीना के शल्क बने होते हैं जिससे अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। फेलोडीटा गण का शल्क वाला अकेला स्तनधारी प्राणी पेंगोलिन है।
जिसके मुख्य आहार चींटी और दीमक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके अंगों की कीमत लाखों में है। कोंडा गांव में जब्त किए गए पेंगोलिन का प्रति किलो 1,00,000 रुपए की दर से सौदा हुआ था। मृत पेंगोलिन 9 किलो का और जीवित 13 किलो का है। एक बछिया दुल्हन बनी और बछड़ा बना दूल्हा। सुनने में यह बड़ा अजीब लगता है, लेकिन है सच। इन दोनों की शादी में बाराती भी थे और बैंड बाजा भी। पूरे विधि विधान से यह अनोखा विवाह हुआ। सीहोर जिले के जावर तहसील के गांव करमनखेड़ी में एक बछिया और बछड़े की शादी का अनोखा मामला सामने आया, जिसमें दूल्हा गाय का बछड़ा तो दुल्हन गाय की बछड़ी थी, जबकि बाराती के रूप में ग्रामीण थे। बैंड बाजों के साथ जब बारात निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। करमनखेड़ी गांव में 2 महीने पहले एक गाय का बछड़ा और बछिया बाहर से आ गए थे। यह दोनों ही साथ में रहने लगे, जहां पर जाते वहां भी साथ में ही रहते थे। दोनों के बीच का प्रेम देखकर ग्रामीण आश्चर्य में पड़ गए। उनके इस प्रेम को देखने के बाद सभी ने मिलकर दोनों की शादी कराने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने इसके लिए राशि एकत्रित की। वहीं बाकायदा गणेश पूजन के बाद दोनों को दूल्हा दुल्हन बनाया गया। अभी 1-2 महीने पहले ये दोनों गाय की बछेरी और बछेरा ये हमारे गांव में घूमते घूमते अज्ञात कहीं भी कहां से आ गए थे, और दोनों में इतना प्रेम है और पूरे 2-3 महीने से गांव वालों ने देखा, फिर पूरे गांव वालों ने उनमें अधिक प्रेम है, बिल्कुल 24 घंटा साथ रहते हैं और सुबह से जल्दी प्रभात फेरी के पहले पहले पूरे हर घर जाते हैं और रोटी सभी उनको रोटी खिलाते हैं। फिर गांव वालों ने एक विचार करा कि क्यों ना इनको नंदी और कामधेनु का स्वरूप भी दिया है, और इनकी पूरे गांव वालों ने मिलकर सभी ने पूरे अपने हिंदू समाज के रीति रिवाज से इन दोनों की शादी की। गांव वालों ने पूरे विधि विधान से यह विवाह कराया। खास बात यह है कि शादी कराने के लिए पंडितों को बुलाया गया। विवाह के दिन वर पक्ष बछड़े की तरफ से अर्जुन सिंह ठाकुर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर वधु पक्ष बछिया के तेज सिंह आचार्य के घर बारात लेकर पहुंचे। यहां बाकायदा स्टेज सजाया गया था, जहां एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिली। इसके बाद वर और वधु के अग्नि के समक्ष 7 फेरे करवाए गए। अनोखी शादी को जिसने भी देखा वह देखते ही रह गया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में एक मानसिक विक्षिप्त युवक रेलवे की हाई टेंशन OHE लाइन पर चढ़ गया। जानकारी लगते ही रेलवे स्टाफ एक्शन में आया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। घटना के चलते दिल्ली मुंबई ट्रैक पर करीब 2 घंटे रेल यातायात बाधित रहा। ग्वालियर में डबरा में एक युवक रेलवे की हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। घटना की जानकारी लगने के बाद रेलवे स्टाफ एक्शन में आ गया और झांसी मंडल ने लाइन शट डाउन की। युवक को उतारने के लिए विद्युत विभाग के OHE स्टाफ मौके पर टावर बैगन लेकर पहुंचा। उसके बाद बड़ी सूझबूझ के साथ रेलवे स्टाफ ने युवक को 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतार लिया। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। घटना के चलते दिल्ली मुंबई ट्रैक बाधित रहा। बताया जा रहा है कि युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं था। इस दौरान उसे नीचे उतारते समय कर्मचारियों को हल्की चोटें भी आई हैं। नीचे उतारने के बाद युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होशंगाबाद स्थित गुरुद्वारा अपने आप में ऐतिहासिक है। इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव का पदार्पण भी हुआ था और उनकी वाणी के आधार पर हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब आज भी मौजूद है, जिसके दर्शन करने सिख समाज के लोग दूर दूर से होशंगाबाद गुरुद्वारे पहुंचते हैं। यह गुरु ग्रंथ साहिब सोने की स्याही से लिखी गई है। होशंगाबाद स्थित गुरुद्वारे में दूर दूर से सिख समाज के लोग दर्शन करने आते हैं।
क्योंकि यहाँ सिखों के आदिगुरु श्री गुरु नानक देव जी की वाणी पर आधारित हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहिब आज भी सुरक्षित है, जिसके दर्शन कर सिख समुदाय के लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं। बताया जाता है कि श्री गुरु नानक देव भी नर्मदा के महत्व को जानते थे। वे अपनी दूसरी यात्रा के समय पंजाब से पुष्कर, अजमेर, उज्जैन, बेटमा, इंदौर, भोपाल होते हुए होशंगाबाद पहुंचे थे। गुरु ग्रंथ साहिब का महत्ता तो सभी के लिए है। इस गुरुद्वारे में ऐतिहासिक गुरु ग्रंथ साहिब हस्तलिखित है, जो कि सोने की स्याही से निर्मित है। सोने की स्याही का मतलब है कि उस स्याही में सोना, चांदी, काजल, ओरिजिनल बबूल, जो जंगली बबूल होता है उसकी गोंद, इन सब चीज़ों को मिला के 20 दिन तक भिगो के रख के स्याही बनाई गई और नीम की लेखनी से लिखा गया है। तो महत्व तो हुआ है और सभी गुरुओं की वाणी इसमें समाहित है। बताया जाता है कि गुरु नानक देव मंगलवारा घाट स्थित एक छोटे से कमरे में अपने अनुयायियों के साथ रुके थे। उनका यहाँ 73वां पड़ाव था, जहाँ होशंगाबाद के राजा होशंग शाह थे। उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक पोथी लिखी थी, जिसे वे यहीं छोड़ गए थे। कहा जाता है कि हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहिब देश में दो ही स्थानों पर है, जिनमें से एक होशंगाबाद का गुरुद्वारा है। यह हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वर्ण और चांदी की स्याही से लिखित है। माना जाता है ये ग्रंथ 400 वर्षों से अधिक पुराना है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जो ऐतिहासिक स्वरूप है, गुरु हरगोविंद साहिब जी 6वें गुरु हुए हैं सिखों के, और 7वें गुरु श्री गुरु हरराय साहिब जी, इनके सामने कीरतपुर साहिब में लिखा गया। डिस्ट्रिक्ट कीरतपुर साहिब जो है वो पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये जिले में वहाँ लिखा गया। ये 1430 अंग का है गुरु ग्रंथ साहिब जो है, और इसमें गुरुओं की वाणी है और कम से कम 300-350 साल पुराना ग्रंथ है ये। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव में बहुलक दी पॉलीमर डॉक्यूमेंट्री को प्रथम रनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस छोटी सी फिल्म में प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों और उसके नुकसान को बताया गया है। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 में मध्य प्रदेश के रीवा निवासी संजय सिंह बघेल द्वारा संपादित डॉक्यूमेंट्री बहुलक दी पॉलीमर को प्रथम रनर अप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म समारोह में 25 से अधिक देशों की 2000 डॉक्यूमेंट्री शामिल थी। यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह एवं फिल्म निर्माता निर्देशक आर वाल्की ने दिया। बहुलक दी पॉलीमर डॉक्यूमेंट्री में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के साथ ही इससे होने वाले भयानक बीमारियों के बारे में बताया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रोफेसर बघेल को उनकी पुस्तक विज्ञापन और ब्रांड को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार मिल चुका है। ग्वालियर में एक सिरफिरा दिन दहाड़े गोलियां चलाता रहा। इस गोलीबारी में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश मारा गया और एक घायल हो गया और कई अन्य लोग बंदूक से निकले छर्रों से घायल हो गए। यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह सारा झगड़ा स्मैक के कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। हाथ में बंदूक लिए इस शख्स को गौर से देख लीजिए। इसका नाम अक्कू पंडित है। यह सरेआम गोलियां चलाता रहा, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं था। ग्वालियर में मिठाइयों के लिए चर्चित दानावली की गलियां शाम ढलते ही स्मैकियों का अड्डा बन जाती है। अंधेरा गहराते ही यहाँ हालात और बुरे हो जाते हैं। यह शख्स भी गोलियां स्मैक का कारोबार करने वालों में दहशत फैलाने के लिए चला रहा है। जनकगंज थाना पुलिस को दानावली में स्मैकियों के अड्डे जमने की क्या खबर नहीं है, लेकिन पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस की इस निरस्ता का ही नतीजा है कि नशा कारोबार के 300 रुपए के लेन देन के पीछे बाजार में स्मैकची के चाचा ने सड़क पर खुलेआम फायरिंग की, जिसमें स्मैकची हिस्ट्री शीटर की हत्या के अलावा कुछ निर्दोष भी घायल हुए हैं। अक्कू पंडित सड़क पर बंदूक की नाल सामने कर गोलियां चलाता रहा, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर मारा गया। घटना से 50 कदम की दूरी पर 4 जवान खड़े थे, जिनकी वर्दी पर एसटीएफ लिखा हुआ था। उन्होंने कोई एक्शन लेने या स्थिति को संभालने के बदले गाड़ियां उठाकर भागना मुनासिब समझा। एक राहगीर विजय कुमार ने जब उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हो, तो पुलिस जवानों का कहना था फोर्स लेने जा रहे हैं, अभी लौटते हैं। इसके बाद वह कहीं नजर नहीं आए। गोलीबारी में मारा गया कबीर तोमर हिस्ट्री शीटर है। उस पर लूट, चोरी, मारपीट, छीना झपटी के 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा घायल बालेंदु पर 3 मामले दर्ज हैं। सिरफिरे सिक्योरिटी गार्ड अक्कू पंडित ने दिन दहाड़े गोलियां चलाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
तालाब से एक मछली दाना खाने के लिए किनारे की तरफ आती है तो उसे देखकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि मछली का चेहरा मछली जैसा कम और इंसान जैसा ज्यादा है। इंसानी चेहरे वाली यह मछली चीन में देखी गई है। अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। क्या कभी आप मछली को देखकर चौंके हैं? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन आप इस मछली को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। सोशल मीडिया में इस मछली का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें इंसानी चेहरे वाली मछली नजर आ रही है। यह मछली चीन में देखी गई है और पानी में बड़े साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है। दक्षिणी चीन के कनमिंग शहर के बाहर एक विजिटर ने इस मछली का वीडियो बनाया है। एक तालाब के किनारे खड़े विजिटर ने जब इस मछली को देखा तो हैरान रह गया और इसके बाद उसने मछली का वीडियो बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया में डलते ही तेजी से वायरल होने लगा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। वीडियो में मछली तालाब के किनारे पर आती दिखाई दे रही है और जैसे ही वो अपना चेहरा बाहर निकालती है तो यह एक इंसानी चेहरे की तरह नजर आता है। इसमें मछली के चेहरे पर दो काले स्पॉट हैं जो आंखों की तरह नजर आ रहे हैं, वहीं एक सीधी लाइन है जो नाक का आकार दिखाती है। इस वीडियो में उस महिला की भी आवाज है जो इसे बना रही है और वो कहते हुए सुनी जा सकती है कि मछली एक परी में बदल गई। यह पहली बार नहीं है कि जब चीन में इस तरह की मछली का मामला सामने आया है। इससे पहले 2016 में भी एक मछली को लेकर खूब बहस हुई थी कि उसका चेहरा इंसान की तरह है। यह मछली हुनान प्रांत के बुगांग शहर में पकड़ी गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।